Hi everyone, welcome to Dr. Gunjan's classes. I'm Dr. Gunjan and today we are going to do the sixth part, part six of chapter number four, that is carbon and its compounds. तो ये हमारी class 10 का chapter number fourth है. हम इसका sixth part करने वाले हैं आज. आज इसके हम five parts already कर चुके हैं. So I have given those links in the description box. Kindly go through them. And we are going to start with the part 6. So let's see what are the topics we are covering under this part. So आज हम nomenclature की बात करने वाले हैं. हम organic compounds को naming कैसे करते हैं, उसके कुछ rules हैं, उसको हम लोग पढ़ेंगे और naming करना सीखेंगे. So nomenclature of organic compounds. So जैसे कि आपको पता है बहुत ज़्यादा compounds हमें present हैं हमारे जी के आसपास. तो सबके नाम remember करना it's quite difficult. It's not at all possible to learn each and every name by their individual common name, okay? Because millions of compounds are present around us. So, इसको systemize करने के लिए कुछ nomenclatures design किए गए, ठीक है? कुछ systemize करने के लिए इसको इसका nomenclature design किया गया, और वो किसने किया? International Union of Pure and Applied Chemistry. किसने किया? International Union of Pure and Applied Chemistry, इसकी short form है IUPAC. IUPAC name बोलते हैं इसको. तो आप अपनी senior classes में भी जाकर देखेंगे तो आपको बोलेंगे IUPAC name बताइए इस compound का, ठीक है? तो आपको पता होना चाहिए IUPAC की full form क्या है, International Union of Pure and Applied Chemistry. इन्होंने कुछ set of rules design किए जो कि हर name को लिखने में आसान हो, ठीक है? ताकि सब लोग सबकी नाम लिख सकें इन rules को देखते हुए. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट रूल क्या है? फर्स्ट रूल क्या है कि आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द कार्बन कंपाउंड. पहले आप देखेंगे कि कार्बन कंपाउंड के अंदर कितने कार्बन एटम्स हैं, ठीक है? सबसे पहली चीज, ठीक है? उन नेम द कार्बन कंपाउंड्स अकॉर्डिंग द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. जितने कार्बन एटम्स हैं उस हिसाब से नेम करना है. अगर एक है उसको हम मिथेन बोलेंगे, अगर दो हैं तो इथेन बोलेंगे, तीन है तो प्रोपेन बोलेंगे. तो ये तो हो गई सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात, ठीक है? सैचुरेटेड में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है ना, सिंगल बॉन्ड होता है. अगर अनसैचुरेटेड की बात करें तो उसमें एक तो डबल बॉन्ड वाले हैं, तो अगर उसमें दो कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं डबल बॉन्ड के साथ उसको इथीन बोलेंगे. इथ मीन्स डबल, ईन मतलब इथ मीन्स दो कार्बन एटम एंड ईन मतलब डबल बॉन्ड. और अगर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है दो कार्बन एटम्स में तो उसको इथाइन बोलेंगे. इथाइन मतलब इथ मतलब दो कार्बन एटम्स, वाई एन ई मतलब ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है? ये हमने एक टेबल आगे बनाया हुआ है, उस टेबल को आप देखिए, उस टेबल को समझने की कोशिश कीजिए तो आपको सबकी नेमिंग करनी आसान हो जाएगी. तो फर्स्ट रूल क्या कहता है कि कार्बन कंपाउंड में कार्बन एटम्स का नंबर पढ़िए, ठीक है? काउंट कीजिए कि कितने कार्बन एटम्स हैं. उस कार्बन एटम्स के अकॉर्डिंग अगर वो सिंगल बॉन्ड वाले हैं तो पीछे हम लोग एन लगा देंगे, अगर डबल बॉन्ड वाले हैं तो ईन लगा देंगे, ई एन ई, ठीक है? अगर ट्रिपल बॉन्ड वाले हैं तो आइन लगा देंगे, वाई एन ई, ठीक है? और जो नाम है सिंगल कार्बन एटम है तो मिथ, डबल है तो इथ, तीन है तो प्रोप, फोर है तो ब्यूट. ये मैंने आगे टेबल में दे रखी, so you can go through. तो अभी हम देखेंगे ये, ठीक है? Second rule क्या कहता है हमारा? What is the second rule? Second rule कहता है अगर branches हैं structure की, अगर structure में branches हैं, ये तो straight chain की बात हो गई. अभी हमने किया isomers की है, तो हमने देखा कि हम उसकी branches form कर सकते हैं, ठीक है? तो जो लंबी वाली longest chain है जो, उसको identify कीजिए और वहां से आप numbering शुरू कीजिए carbon atoms की, ठीक है? वहां से आप नंबरिंग शुरू कीजिए. और अगर कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो प्रीफिक्स या सफिक्स फंक्शनल ग्रुप का लगेगा, जैसे कि हम लोगों ने आगे एक टेबल में दिया हो. तो तीन रूल्स बेसिकली बताए. सबसे पहले कार्बन एटम्स का नंबर काउंट करना है आपने कंपाउंड में, फिर उसको उस हिसाब से नेम करना है. दूसरा, अगर ब्रांचेस हैं तो लंबी वाली लॉन्गेस्ट चेन ढूंढिए, वहां से आप लोग कार्बन एटम्स को नंबरिंग करनी स्टार्ट कीजिए. देन आपने अगर कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो उसके अकॉर्डिंग आपका नाम और प्रीफिक्स और सफिक्स आपका फंक्शनल ग्रुप का भी उसमें लगेगा.
तो अब हम इसकी देख लेते हैं कि किस तरह से किसको अपने टेबल में दे रखा है, और उसके बाद हम एग्जांपल्स करेंगे इसको नेमिंग करने के। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आप देखिए कि अगर एक कार्बन एटम है, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अगर एक है, यहाँ इस वाले में मैंने बता रखी है नंबर ऑफ कार्बन एटम, और ये सफिक्स, सफिक्स मतलब पहले लगता है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड है, अगर सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगेगा, तो अगर एक कार्बन एटम है तो क्या लगेगा, मिथ, M-E-T-H, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, A-N-E ये लगेगा, तो सब जगह पे सिंगल बॉन्ड है तो A-N-E लगेगा। अगर दो कार्बन एटम्स है तो क्या लगेगा, इथ, E-T-H, तीन कार्बन एटम्स है तो क्या लगेगा, प्रॉप, प्रॉप, चार कार्बन एटम्स है तो क्या लगेगा, ब्यूट, पांच है तो क्या लगेगा, पेंट, छह है तो क्या लगेगा, हेक्स। ये पांच, फोर के बाद तो आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा, पर ये आपको चार पहले वाली याद करनी जरूरी है। इसको आप देखिए कि अगर एक कार्बन एटम है तो मिथेन, मिथेन हमने पढ़ा है ना, मिथ, मिथ, और सिंगल बॉन्ड था तो एन, इस हिसाब से मिथेन बन गया। इथेन, इथेन भी सबने पढ़ा है, दो कार्बन एटम्स है उसमें भी सिंगल बॉन्ड थे तो इथ, एन। प्रॉप, तीन कार्बन एटम्स हो गए, प्रॉप, एन, चार कार्बन एटम्स हो गए, ब्यूट, ए, ब्यूट, ए, ठीक है। इस हिसाब से कार्बन एटम्स का नंबर देखिए, उसका सफिक्स ढूंढिए, और अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन लगेगा, अगर डबल बॉन्ड है तो क्या लगेगा, ईन, ई एन ई, और ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लगेगा, आईन, वाई एन ई, ठीक है। अब आप देख लीजिए डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, तो वो नेम तो कार्बन एटम्स का वो सेम ही रहेगा, ये वाला तो सेम ही रहेगा, ठीक है। तो उसके बाद आ जाएंगे प्रीफिक्स और सफिक्स चेंज हो जाएंगे आपके डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में। डबल बॉन्ड में क्या लगेगा, ईन, ट्रिपल बॉन्ड में क्या लगेगा, आईन, ठीक है, ये सफिक्स। और क्लोरीन अगर जुड़ा हुआ है तो क्या बन जाएगा, क्लोरीन से क्लोरो, क्या बन जाएगा, क्लोरो। ब्रोमीन लगा हुआ है तो क्या बन जाएगा, ब्रोमो। ये हमारे हैलोजन ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, हैलोजन, हैलोजन होते हैं पीरियोडिक टेबल्स में, जब ये अटैच्ड होते हैं क्या लग जाता है, अगर क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो क्लोरो, ब्रोमीन जुड़ा हुआ है तो ब्रोमो, और अगर आपका OH ग्रुप लगा हुआ है, यानी कि OH ग्रुप मतलब एल्कोहल लगा हुआ है, तो क्या बन जाएगा, ओल, ओल, मिथेनोल, ठीक है, प्रोपेनोल, ठीक है, ओके। एल्डिहाइड ग्रुप, CHO ग्रुप अगर फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है तो क्या बन जाएगा, अल, AL लग जाएगा पीछे। अगर C डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, ये वाला ग्रुप लगा हुआ है इस तरह से, तो क्या जुड़ जाएगा आपका, ओन, ओ एन ई, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है तो क्या बन जाएगा, ओइक एसिड, ओइक एसिड। सो ये फंक्शनल ग्रुप भी आपको आइडेंटिफाई करना है। तो अब हम लोग देख लेते हैं किस तरह से इनकी नेमिंग की गई है। तो आप यहाँ पे देखिए, प्रीफिक्स पहले लगेगा, फिर वर्ड लगेगा, फिर सफिक्स लगेगा। तो अब हमने ये कंपाउंड है, ठीक है, ये एक कंपाउंड है, अगर इसकी नेमिंग करनी है तो आप क्या करेंगे, तो आप पहले नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देखिए कितने हैं, 1, 2, 3, 4, चार कार्बन एटम्स हैं, चार कार्बन एटम्स में क्या लगता है, ब्यूट, B-U-T, ब्यूट, और इसमें डबल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड भी है, तो डबल बॉन्ड है तो क्या लग जाएगा, ईन, क्या बन गया, ब्यूटीन। अब यहाँ पे देखिए ये वाला सेकंड कंपाउंड देखिए, इसमें कितने कार्बन एटम्स हैं, फर्स्ट रूल ऑफ दी IUPAC नेमिंग, वन, काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, 1, 2, 3, थ्री है तो प्रॉप, प्रॉप, और बीच में डबल बॉन्ड आ गया तो ईन, प्रॉप ईन। अब यहाँ पे देखिए दो कार्बन एटम्स हैं और डबल बॉन्ड है तो इथीन। अब आप ट्रिपल बॉन्ड की बात कीजिए, ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया हुआ है, दो कार्बन एटम्स हैं तो इथ, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, वाई एन ई, इथ प्लस वाइन, इथाइन। यहाँ देखिए तीन कार्बन एटम्स हैं, प्रोप, ट्रिपल बॉन्ड है, आइन, प्रोपाइन। सिमिलरली चार कार्बन एटम्स हैं, इसके बाद ट्रिपल बॉन्ड, ब्यूट प्लस आइन, ब्यूटाइन। सिमिलरली पांच कार्बन एटम्स है तो पेंट, ट्रिपल बॉन्ड है तो वाइन, पेंटाइन, ठीक है। उसके बाद क्लोरो ग्रुप, क्लोरीन, जब क्लोरीन लगेगा तो हमने क्लोरो ग्रुप, क्लोरो बोलना है, ठीक है, तो क्लोरो हमारा प्रीफिक्स लगेगा। अब यहाँ पे देखिए दो कार्बन एटम्स है,
दो कार्बन एटम्स है तो इथेन है ना, इथ और सिंगल बॉन्ड है तो एन, इथेन। तो अब इसमें क्लोरीन ग्रुप लगा हुआ है, क्लोरीन ग्रुप लगा हुआ है यानी कि क्लोरो, क्या नाम बन गया, प्रीफिक्स आ जाएगा क्लोरो इथ एन, क्लोरो इथेन। सिमिलरली यहाँ पे आप देखिए कितने कार्बन एटम्स है, तीन कार्बन एटम्स है, क्लोरीन ग्रुप लगा हुआ है तो क्लोरो प्रीफिक्स हो गया, तीन ग्रुप है, तीन कार्बन एटम्स है तो प्रोप हो गया और सिंगल बॉन्ड है तो एन हो गया, तो क्या बन गया, क्लोरो प्रोपेन। सिमिलरली ब्रोमो मीथेन एंड ब्रोमो ब्यूटेन। तो आई होप आप इसको कर पाएंगे अब आसानी से, अगर आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए पेपर पे लिख के, आप पहले आप कंपाउंड लिखिए उसकी नेमिंग करने की, उसको ब्रेक करके नेमिंग करने की कोशिश कीजिए IUPAC नेमिंग स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए, और फिर भी अगर आपको कोई इश्यू आ रहा है तो वी विल सॉल्व दैट इश्यू। ओके, सिमिलरली आप यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप अगर एल्कोहल लगा हुआ है हमारा तो किस तरह से होगा, डबल दो कार्बन एटम्स है तो इथे इथ, ठीक है, सिंगल बॉन्ड है एन और पीछे फंक्शनल ग्रुप ओल लगा है तो ये प्रीफिक्स लगेगा, OH का क्या बन जाएगा, ओल, तो ई हटके ओल, इथनोल है ना। एल्डिहाइडी ग्रुप है CHO, CHO के साथ क्या लगता है, अल, ठीक है, तो दो है इथेन अल, इथेनल, ई हटके क्या लग जाएगा, ई हट जाएगा, ई माइनस हो जाएगा, ए एल एड हो जाएगा, इथेनल। कीटोनिक ग्रुप है C डबल बॉन्ड O, ओन, ओ एन ई लग जाएगा, ठीक है, तो ई हट के ओन लग जाएगा, प्रोपेनोन। कार्बोक्सिलिक एसिड है तो क्या लगेगा, ओइक, ओइक एसिड, ओइक एसिड, ई हट के ओइक एसिड लगेगा। तो एक है तो मिथेनोइक एसिड, तीन है तो प्रोपेनोइक एसिड, दो है तो इथेनोइक एसिड। सिमिलरली आप प्रैक्टिस करते जाइए, आपको आसानी से नेमिंग करनी आ जाएगी। ओके, then this is about this part. I hope this part is, this part was quite interesting. I found it quite interesting during my like 10th class also, मुझे बहुत अच्छा लगता था because इसको practice करने में बहुत मजा आता था, आप bore ही नहीं होते थे, आप लिख कर practice करेंगे तो आप मतलब कुछ नया लग रहा है आपको करने में, है ना, तो आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है आप read करते करते bore हो गए, पता ही नहीं हम क्या पढ़ रहे थे, आप खुद लिख के करोगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से इसको लिखना है मुझे, है ना। मुझे रूल्स, सेट ऑफ रूल्स आप लिखिए अपने पेज पर, उस पेज को अपने सामने रखिए, उसके बाद एक पेज लीजिए, उसके ऊपर आप कंपाउंड को उतारिए, उस कंपाउंड की नेमिंग उस रूल्स के अकॉर्डिंग उसके नाम के हिसाब से करने की कोशिश कीजिए, तो आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। जैसे आप 10 बार एग्जाम्पल्स कर लेंगे तो आपको अपने आप करने आसान हो जाएंगे, तो हर टाइप की आप 10-10 एग्जाम्पल्स को प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। So this is about this part, and in the next video we are going to cover about the chemical properties of the carbon compounds. So I hope you like this video. So if you like this video, then don't forget to subscribe my channel and press the like button and share this video among your friends, because your likes and shares really matters a lot for me, and it will motivate me to improve further and prepare more and more videos for you. Thank you so much. Bye-bye. Take care. See you tomorrow with the next video.